तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी में। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो नॉन हिंदी लिए हैं, लेसन 4 है हिंदी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। और यही बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी के रूप में बनाएंगे। वैसे ये रेखा चित्र है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग कहानी के रूप में डीपली समझेंगे, ठीक है, कि आखिर इस कहानी में कौन ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कहानी में बताया गया है, और इस कहानी में जो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने लिखा है बाल गोविंद भगत। वैसे एक बाल गोविंद भगत एक इंसान का नाम है जिन्होंने अपने लाइफ में पूरा का पूरा अपने लाइफ का एक वर्णन बोला जाए, अगर वर्णन किए तो बताए हैं कि दुनिया में तो तकलीफ और दुख तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो हर एक पल में खुशियों के साथ बिताना चाहिए, यही उसके बारे में बताए हैं। देखिए, इस कहानी में बाल गोविंद भगत एगो नायक है। इसमें अगर देखें कि फिल्म में बहुत सारे लोग किरदार होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, तो इसमें बाल गोविंद भगत हैं, इनके बेटे हैं और इनकी बहू हैं, और एक और कभी कभी बीच में लेखक का जिक्र आ जाएगा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे कि ये कैसे थे, ठीक है। तो ये काफी मतलब कि एक मझले कद के लोग होते हैं, ना ज्यादा लंबा और ना ज्यादा छोटा, मझले कद के आदमी थे, गोरे थे, ठीक है। और यहाँ पे उम्र इनका 60 वर्ष के ऊपर था और उनका बाल पक चुका था, यानी कि वाइट सफेद हो गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी चेहरे पर काफी रौनक था, लाइट था, ठीक है। यहाँ देखिए, और यहाँ पे ये कपड़ा कैसे पहनते थे, ठीक है, तो ये कपड़ा कुछ नहीं, बस लंगोट पहनते थे, बाकी उनका बदन जो होता था वो ऐसे ही रहता था बिना कपड़े के, ठीक है। और इनकी जितनी भी समझदारी और सोच था और इनका जितना भी काम था, एक संत की तरह था, साधु संत की तरह, महात्मा की तरह, ठीक है। कभी किसी पर बेवजह गुस्सा नहीं होते थे, कभी किसी को अपने वजह से तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे, ठीक है। ये बहुत ही साधु और संत प्रवृत्ति के थे, लेकिन ये साधु की तरह दिखते नहीं थे। साधु लोग कैसे होते हैं कि बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लेंगे, ठीक है, बड़ा बाल कर लेंगे, ठीक है, इस मतलब साधु का इनका मतलब दिखने में ये साधु नहीं लग रहे थे, लेकिन इनकी टोटल प्रवृत्ति यानी पूरा का पूरा ये साधु का ही, मतलब किसी को भी अपने वजह से तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे, हमेशा दूसरे की मतलब मदद ही करते थे और सबको ये खुश देखना चाहते थे और खुश करके रखते भी थे। देखिए, और ये कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, कहा जाए तो जहां भी इनका कबीर का इनको जैसे कि अगर दरबार दिख जाए तो वहां पे ये चले जाते थे, कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। ये कबीर को साहब भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इनके घर से कबीर का दरबार लगभग 4 मील दूर था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि इनके घर से 4 मील दूर कबीर का दरबार था, ठीक है। अब देखिए, और यह एक गृहस्थ आदमी थे। गृहस्थ आदमी का मतलब होता है, ठीक है, कि खेती बाड़ी करके अपने जीवन को चलाएं, ठीक है, और उनका खुद अपना परिवार भी हो, ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ आदमी कहते हैं, ठीक है। तो ये करते क्या थे कि अपना जो भी घर पे अनाज उपजता था, जो भी खेती होता था, उस अनाज को उपजा करके और पूरा का पूरा अनाज मतलब कि ये कबीर के दरबार में दे करके आ जाते थे, और वहां से कबीर के जितने भी वहां पे भक्त लोग बैठे रहते हैं वो उनको खाने के लिए जो कुछ देते उसको प्रसाद के रूप में लाते थे, और उन्हीं से इनका परिवार चलता था, ठीक है। तो इनका बताइए, एक भक्त व्यक्ति ही फैन समझते हैं, फैन व्यक्ति ही ऐसा कोई काम कर सकता है कि पूरा अपना टोटल अनाज जितना भी है उसे गाड़ी पर लाद करके और ले जाकर कबीर के दरबार में जाकर के दान के रूप में दे देते थे, ठीक है। ये इतने दिल वाले थे। अब देखिए इनका, आप देखिए एक और इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये गाना गाने में बड़ा रुचि रखते थे, और गाना ऐसे वैसे गाना नहीं, अगर ये गाते तो सारे लोग सुन करके उस गानों में मतलब झूम उठते थे और उस गानों में ही खो जाते थे, इतना इनको गाना बहुत अच्छा भी लगता था और सारे लोग पसंद भी करते हैं। देखिए कब कब कैसे कैसे समय पर ये गाना गाए हैं, और गाना गाते गाते मतलब बुरे समय में भी अपने आप की इस क्वालिटी को भूले नहीं और गाना गाए हैं, और फिर लोगों को कुछ बताए भी हैं। देखिए कैसे, आषाढ़ का समय था, ठीक है, आषाढ़ भादो ये सब जो भी होता है महीना, ठीक है, आषाढ़ का समय था, और उस समय लगभग थोड़ा बहुत पानी, धान रोपने के समय जब धान की रोपाई होती है, ठीक है, तो उस समय थोड़ा बहुत पानी होता रहता है, ठीक है, तो धान की रोपाई चल रही थी, ठीक है, और उस समय जब रोपाई चल रहा था उस समय थोड़ा थोड़ा हवा भी चलता है, तो हवा चल रहा था तो उस समय लोगों थोड़ा बहुत लोग
मतलब ठंड महसूस कर रहे थे। अब सोच रहे थे दोपहर का समय था और औरतें कलेवा लेकर के, कलेवा समझते होंगे 12 बजे का खाना लेकर के, और मतलब मेढ़ी जो होता है ठीक है बांध पर बैठी हुई थी। और उस समय अब ये लोग सोच रहे थे कि अब पानी लग रहा है नहीं खुलेगा, हमको ठंड भी लग सकता है, बहुत तेज ठंड भी चल रहा था। तेज ठंड क्या मतलब, बारिश हो रहा है और हवा चलेगा तो ठंडा तो लगेगा ही ठीक है। तब ये लोग सोचे कि अब घर हम लोग चले, तब तक कहीं से मतलब आ गए अपने खेत में कौन, बाल गोविंद भगत। उन्होंने सबसे पहले जो भी धान का बीज था उसको एक जगह पूरा फैला दिए और वहां से उठा के, और धान को रोपना जब शुरू किया तो उन्होंने गाना के साथ बहुत ही अच्छा लय में गाना के साथ वो गाना शुरू कर दिए ठीक है। और जब ये गाना सब लोगों के कानों में गूंजा ठीक है, तो वो उसी में खो गए। और ऐसा लग रहा था कि गाना के साथ साथ ही सारे लोग उठे और अपना घर जाना भूल ही गए और उस गाने में खो गए और अपना फिर से धान रोपने के काम शुरू कर दिए। उस गाने में इतने खो गए कि मतलब कि गाने के साथ ही अपना कदम आगे बढ़ रहे थे और हाथ भी चला रहे थे, और इस तरह पूरा खेत भी वो लोग बढ़िया से मतलब रोपाई कर दिए। इतना गाना में उनका ताकत और इतना वो मस्त गाते थे ठीक है। अब आते हैं, समय आता है भादो का ठीक है। भादो का समय था। अब देखिए गाना ठीक है, अच्छा है, गाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अब कभी भी गाना गाए तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये किस टाइप का आदमी है भाई ठीक है। भादो का समय था और अंधेरी अधरती एकदम समझो तो 12 बज रहा था रात को ठीक है। और उस समय इन्होंने क्या किया, रात के समय ही इन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। उस समय लोग थके हुए थे, भादो के समय में मतलब अंधेरी रात थी और उसी समय थोड़ा सा पानी खुला हुआ था ठीक है, और पानी खुला हुआ था और क्या बोलते हैं उसको, मेढक वगैरह का आवाज सुनाई दे रहा था, फिर भी लोग सोए हुए थे ठीक है। लेकिन जब ये गाना गाना शुरू किए तो वहां सब आवाज बंद हो गया, बादल का गरजना बंद नहीं हुआ मैंने लोगों को सुनाई नहीं दिया, और ये इतना तेज गाना गा रहे थे ठीक है कि पूरा का पूरा लोग इनके गाने से उठ के जग गए। इसमें गाना भी दिया था एक ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं वो गाना। यहां देखिए गाना है, गोदी में पियवा चमक उठे सखियन चिहुक उठे ना, यानी यही गाना था। इसका मतलब हुआ हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है और चिहुक उठती है। चिहुकना का मतलब आप लोग समझते होंगे ठीक है, एकाएक नहीं कोई इंसान सोए सोए घबरा जाता है ठीक है। तो यही गाना गा रहे थे ठीक है। और लोग उस समय सोचे कि कैसा इंसान है भाई, थोड़ा सा थके हैं ठीक है, और उस समय 12 बजे रात को ही शुरू हो गया ठीक है, तो हमेशा ये गाना अच्छा नहीं लगता है। अब आता है कार्तिक का समय ठीक है, हल्का हल्का ठंड चलता रहता है और शायद उसी समय छठ पूजा भी रहता है ठीक है। इनका डेली रूटीन था कि सुबह में जब सब कोई सोया रहेगा उसी समय ये नदी के किनारे जा करके ठीक है, और स्नान ध्यान कर करके और भिंड पर, नदी के किनारे जो ऊंचाई वाला भिंड होता है उस पर बैठ करके और खजड़ी से खजड़ी लेकर के, और खजड़ी आप लोग समझते हैं एक प्रकार का समझिए तो, जो नारायण नारायण लोग ऐसे नहीं बोलते हैं और हाथ में छोटा सा होता है वो लेकर के बजा के अपने गानों में मस्त हो जाते थे। इनका डेली का यही रूटीन था कि रोज सुबह उठना है, दूसरे लोगों को उठने से पहले इनको स्नान ध्यान करते कोई देखता ही नहीं था, और ये नदी के किनारे जाके स्नान कर लेते थे। कब, तो याद रखिए कार्तिक भी होता है और कार्तिक अपने भाषा में थोड़ा सा बिहार में आते आते नाम बदल जाता है ठीक है। बिहार में हर एक वर्ड का अलग अलग निक नेम लोग रख देते हैं ठीक है। यहां देखिए, तो यहां पे सुबह स्नान करके ऊंचे भिंड पर ठीक है खजड़ी के साथ गानों में मस्त हो जाते थे, और वो इतना मस्त हो जाते थे कि ऊपर से अगर कुछ भी ये ओढ़े हुए हैं ठीक है तो वो गिर जाता था, फिर भी इनको पता नहीं चलता था, वो इतना मस्त हो जाते थे। अब आते हैं गर्मी का समय, थोड़ा सा गर्मी में इनका ये कैसे लोगों को खुश रखते थे। गर्मी के समय में बहुत गर्मी लगता है तो लोग घर के अंदर नहीं सो पाते हैं, और देहात में भी वैसे भी हम लोगों का तो देखे ही हैं, आएंगे हम लोग तो बाहर ही सो जाते हैं, कहीं पे खटिया वगैरह मिल जाए बिछा दो कपड़ा वपड़ा खोल के और बस वैसे ही, ऐसे लोग मतलब करते हैं ठीक है। ये भी वैसे ही थे, गर्मी के मौसम में आंगन में कुछ लोगों को अपने दोस्तों को बुला लेते थे ठीक है, और वहां अपने आंगन में गाना गाना शुरू कर देते थे। और कुछ दोस्त लोग भी जो इनके काफी ज्यादा मतलब प्रेमी थे ठीक है, इनके बाल गोविंद भगत के जो प्रेमी थे वो आकर के इनके साथ मिल करके और अपना गाना गाते थे, ये आगे गाते थे और कोई कोई गाना इनके दोस्त लोग पीछे दोहराते थे। वो गाना में इतना खो जाते थे, सबको गाना इतना सुहाना लगता क्योंकि गर्मी के मौसम में नींद आता नहीं, तो बहुत लोग आ जाते थे, नींद इसलिए नहीं आता क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा रहती थी
ठीक है। उसके बाद से और कुछ देर के बाद से ये गाते गाते जो बाल गोविंद भगत है वो नाचना भी शुरू कर देते थे, ठीक है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, देखते हैं यहां पे क्या होता है कहानी में। अब यहां सब कुछ सही चल रहा था, सब लोग खुश थे, और शुरू में ही कहानी में बताया था कि इनके एक बेटे इनका एक बेटा भी था और इनकी एक बहू भी थी। बेटा थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप का था, मंदबुद्धि दिमाग से थोड़ा सा कमजोर था, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत मतलब कि बहू जो थी वो बहुत ही समझदार थी। यहाँ पे बीमारी था बेटे को, किसी वजह से बीमारी के कारण, ठीक है, उनकी बेटे की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सारे लोग सदमे में हैं, उनकी बहू काफी रो रही थी, ठीक है। तो जब सारे लोग सदमे में थे और उनकी बहू रो रही थी, उसी समय ये अपने बेटे को आंगन में मतलब उनको सुला दिया गया था, डेथ किए थे तो, ठीक है। और उसके बाद से उनके मतलब जो सर होता है उसी की तरफ बैठ करके वहाँ चिराग जल रहा था। लोग मरते समय अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीका से लोग रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गाना गाना शुरू कर देते हैं। अब लोग देख करके घबरा जाते हैं, ये कैसा इंसान है भाई, यहाँ पे पूरा लोग मातम मतलब यहाँ पे छाया हुआ है, पूरा लोग दुख में है, इनकी बहू इतना रो रही है, सब औरतें मिल करके और उनको मतलब चुप कराने में लगी है, ठीक है, कि जो हुआ सो हुआ, ये तो विधि का विधान है, ये गाना क्यों गा रहे हैं। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे और ये जा करके अपने बहू के पास भी और उसको बोलते थे कि क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहो, ठीक है, जबकि ये मोमेंट जो है खुश होने वाला नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके जो आत्मा था ना वो परमात्मा के पास चला गया, यानी कि इसके जिसमें जो रूह था, ठीक है, वो अल्लाह के पास चला गया, गॉड के पास चला गया, ठीक है, तो इसमें दुख की क्या बात है, वो जहां से आया था वहां चला गया, ठीक है, ये कह करके और बहुत सारे गाना वो गा रहे थे। और यहां तक कि जब उसका दाह संस्कार का बात आया, ठीक है, मतलब जलाने का, ठीक है, ये भगत है यानी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो खुद नहीं जलाए, अपनी बहू को ही बोले कि तुम ही इसको आग दो, ठीक है। और श्राद्ध वगैरह बीत जाने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, काफी लोग रो रहे थे, तो इन ये जो बाल गोविंद भगत हैं, ठीक है, ये बोले कि एक काम करो अपनी बहू से, तुम अपने भाई को बुलाओ। और जब वो वहां से भाई इनके बहू के जो भाई आए तो बोले कि इसको यहां से लेते जाइए आप और इसकी दूसरी शादी करवा दीजिए ताकि ये खुश रहे। इनकी बहू काफी समझदार थी, बहुत रो रही थी कि बूढ़ा होने के बाद से आपका ख्याल कौन रखेगा, आपको पानी कौन देगा, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा बात रख दिए, ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहू को जाना पड़ा। वो बोले कि अगर यहां तू रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, ठीक है, हम यहां से चले जाएंगे, ठीक है। यह बात उनकी बहू को लग गया कि नहीं ये तो गलत है, ठीक है, इसलिए वो अपने भाई के साथ चली गई। अब ये बेचारे अकेले रहने लगे, अकेले रहते वैसे इनका जीवन व्यतीत होने लगा, बीतने लगा। जब इनका जीवन बीतने लगा तो ये हर साल मतलब कि अपने घर से 30 मील दूर, 30 मील का मतलब एक अगर देखा जाए 30 कोस समझ लो, ठीक है, तो एक कोस में 3 किलोमीटर होता है तो लगभग 90 किलोमीटर, ठीक है, 90 किलोमीटर दूर ये गंगा नहाने हमेशा जाते थे। आजकल हम लोग बाइक से चले जाते हैं, अगर थोड़ा नजदीक है तो फिर गाड़ी से चले जाते हैं, लोग तो एरोप्लेन से ही घूमते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय ये 30 मील का मतलब कि 30 कोस का जो होता है दूरी ये पैदल तय करते थे। और ये साधु संत टाइप के आदमी थे, सिद्धांतवादी आदमी थे, ठीक है, और वो किसी से कुछ लेते नहीं थे, भले ही खुद दान कर देंगे। तो यहाँ घर पे खाना खा के पानी वगैरह लेके और चल दिए थे, ठीक है। अब देखिए पहले की तरह समय रहा नहीं, अब ये काफी बूढ़े हो चुके थे, पहले तो थोड़ा सा नौजवान थे तो ये हर साल जाते थे तो आकर के फिर थोड़ा सा अपना काम में लग जाते थे, अब ये बूढ़े हो चुके थे। इस बार जब ये गए, ठीक है, तो उधर से आने के बाद से ये काफी थक चुके थे और बीच में कुछ खाने के लिए भी खाते भी नहीं थे और 30 मील ऐसे ही पैदल चलते थे। फिर आए तो आने के बाद इस बार कुछ स्वस्थ ही नहीं थे। शाम को फिर वैसे ही इन्होंने कुछ दिन ऐसे बीतते गए, बहुत लोगों ने समझाया कि एक काम करो तुम जो ये डेली रूटीन बना के रखे हो, ठीक है, कि जाना है सुबह में डेली एकदम सबके उठने से पहले, ठीक है, और जाने के बाद से आप क्या कीजिएगा, वहां से सुबह नहाते हैं, आपका तबीयत खराब दिख रहा है, ठीक है, आप वैसा मत कीजिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। वो बस गानों में बस रम रहते थे अपना, ठीक है, और उस बात को इग्नोर कर देते थे, मतलब कि उस बात पर ध्यान, उन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन जब वो शाम को आए, ठीक है, और वैसे ही रात को गाना गाए,
ठीक है, सबको परेशान किए एक तरह से समझिए तो, ठीक है। और गाना गाने के बाद से सुबह का उनका जो गाना था, ठीक है, वो लोगों ने नहीं सुना। जब लोगों ने नहीं सुना तो उनको लगा कि आखिरकार जो बाल गोविंद भगत है ये गाना क्यों नहीं गाया, आखिर क्या वजह रहा। तो जब वो वहाँ पे देखने गए इनके घर की, जैसे होता क्या है कि बार बार कोई व्यक्ति आपके घर पे कुछ देर के लिए समझ जाए कि आपकी कोई बहुत ही चहिता या कोई भी डेली आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, आप उब जा रहे हैं, ठीक है। और एक दिन परेशान नहीं करेगा ना तो फिर भी इस बात को लेकर आपको तकलीफ होगा कि यार रहता था तो थोड़ा सा परेशान करता था, ठीक है, हमेशा अंदर से एक कमी सी महसूस होती है, ठीक है, भले आप फील कर रहे हैं लोगों को शो नहीं कर रहे लेकिन एक कमी हमेशा रहता है। वैसे ही लोगों के अंदर उसी दिन जाया कि आखिर क्या हुआ, जब गए तो उस समय बाल गोविंद भगत इस दुनिया में नहीं थे, यानी वो मर चुके थे। लोगों को बहुत सदमा भी लगा इससे कि आखिरकार ये ऐसे इंसान किसी का आज तक नुकसान नहीं किए, किसी का बुरा नहीं चाहे, फिर भी देखिए कहा जाता है कि मौत सबको तो आनी ही है, थोड़ा सा देर होता है, ठीक है। इनके बेटे की मृत्यु पहले हो गई, ये ज़्यादा दुखी नहीं हुए क्योंकि वो जानते थे कि जहाँ से जो आता है एक बार जो इस पृथ्वी पर आया है उसको मरना निश्चित है, तो किस बात का घमंड करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। और ये कहानी कंप्लीट सब होने के बाद से लास्ट में इसका मल्टीपल चॉइस भी हम करा देंगे, ठीक है, और आप इसको सही से लेखक का नाम आप लोग सही से याद कर लीजिएगा, और नहीं तो लास्ट में इसका हम ट्रिक लेकर आएंगे लेखक का नाम कैसे, राम बाल गोविंद भगत के लेखक का नाम क्या है जी, तो राम ब्रिज बेनपुरी, इसका ट्रिक हम बना देंगे, और इससे भी 2-4-5 नंबर का मल्टीपल चॉइस रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।